महेश इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, मगर अब मीडिया में इस खबर को मुंब्रा में आए तबलीगी जमात से जोड़कर बताया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि मुंब्रा में जो 21 लोगों की तबलीगी जमात आई थी, उसी ऑपरेशन के दौरान मुंब्रा पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर को कोरोना के लक्षण दिखाई देने लगे थे, मगर वही जमीयतुल उलमा हिंद के मुंब्रा के सदर मौलाना वहाब काशमी ने बताया है कि सभी तबलीगी जमात के लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव है। तो मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को तबलीगी जमात के ऑपरेशन के दौरान कैसे कोरोना हो सकता है। हालांकि मौलाना वहाब काशमी ने यह जरूर बताया कि उस दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मगर मीडिया में जिस तरह से मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर के कोरोना पॉजिटिव होने पर उसे तबलीगी जमात से जोड़कर बताया जा रहा है, ये बदनाम करने की साजिश है। वहीं ये भी जानकारी दी कि सीनियर इंस्पेक्टर मुंब्रा से ड्यूटी करते थे, मगर वो कलवा के वास्तु आनंद में रहते थे और वहाँ भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मौलाना ने मीडिया पर जमात को बदनाम करने का आरोप लगाया है और हर मामले में मीडिया जमात को निशाने पर बना रही है, जो बिल्कुल गलत है। सभी तबलीगी जमात के 21 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव है और सभी होम क्वारंटाइन किए गए हैं। ऐसे में क्या जानकारी दी है जमीयतुल उलमा हिंद के मुंब्रा के सदर मौलाना वहाब कासमी ने। इस्लामुद्दीन भाई, ऐसा है, यहाँ जो जमात आई हुई थी उन जमात की जो उनका जो टेस्ट हुआ और उनकी जो जांच पड़ताल हुई, उनकी तो सारी की सारी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई हुई है। वो रिपोर्ट मेरे पास है, मेरे मोबाइल में है और हार्ड कॉपी भी मौजूद है। सारे के सारे नेगेटिव थे। अगर वो लोग नेगेटिव हैं तो सीनियर साहब को कैसे, उनका उनकी वजह से उनको लक्षण दिख गया, सीनियर साहब को किस तरह से लक्षण हो जाएगा? और सीनियर साहब तो बेचारे कहाँ कहाँ जाते थे और मेहनत बहुत करते थे। उस दिन जब वो लोग आए हैं तो मैं तो वहीं शुरू ही से था, पूरी टीम आई हुई थी। फिर उन लोगों ने मस्जिद से उन लोगों को निकलवाया और सबका पूरी जांच पड़ताल करने लगे। सीनियर साहब तो एकदम हम लोगों के साथ खड़े हुए थे, दूर डिस्टेंस बनाए हुए थे और वो उस वक्त भी बहुत थके हुए थे और वो मस्जिद की ओटले पे जाकर के बैठ गए थे और वो थके हुए थे जब वो आए हैं तभी से, और वो मेहनत किए थे तो हम लोगों ने समझा कि सीनियर साहब को मेहनत ज़्यादा हो गई होगी इसलिए थक गए हैं। बहरहाल यहाँ जितने जमाती थे, जो बांग्लादेशी जो 13 थे वो और जो दो आसामी थे वो, इनमें जिनकी सबकी रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल नेगेटिव थी, कोई पॉजिटिव नहीं था। अगर पॉजिटिव रहते तो मुझे तो सीनियर साहब ने कहा था ये 15 लोगों की देखभाल आप करिए, तो मैं 3-4 दिन तक उनकी देखभाल मैंने किया था। और यहाँ के जो हमारे इमाम साहब हैं और यहाँ के जो लड़के हैं वो लोग भी साथ में थे, बहुत से पुलिस वाले थे, तो उन लोगों को भी तो कुछ होना चाहिए था। ये सिर्फ तबलीगी जमात को बदनाम करने के लिए ये मराठी मीडिया, इंग्लिश मीडिया, हिंदी मीडिया, ये सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए ताकि वो बदनाम हो और मुसलमानों को बदनाम किया जाए, ये साजिश के तहत जमात का नाम ले रहे हैं। तबलीगी जमात तो एक बेहतरीन जमात है, ये जमात इंसानियत का दर्स देती है, ये जमात इखलाक दुनिया के अंदर राइज करती है, ये जमात बेहतरीन काम करने की दावत देती है। और हमारे जो सीनियर साहब थे वो बेचारे वो तो कलवा में रहते थे और कलवा में बहुत पहले पॉजिटिव केस पाया गया है और जिस एरिए में पाया गया है उस एरिए में वो अभी वो वहाँ रहते थे, उनका घर था, यहाँ ड्यूटी यहाँ थी मुंब्रा में लेकिन रहते थे वो कलवा में। हो सकता है वहाँ उनको जाने आने से या और, वो तो सबकी खिदमत करते थे, सीनियर थे और बहुत जगहों पे उनका दौरा होता था, वहाँ कोई रहा हो। बहरहाल तबलीगी जमात जब पॉजिटिव नहीं थी, उनकी सारी रिपोर्टें नेगेटिव आई हैं, तो सीनियर साहब को उनकी वजह से कुछ हो गया, ये तो बात गलत है, ये लोग मानने के लायक बात ही नहीं है। सीनियर साहब तो कलवा में रहते थे। नहीं नहीं जमात आई हुई थी जो अरे भाई जब जमात के पास वो मर्ज़ नहीं है तो दूसरों को कैसे वो मर्ज़ उनकी वजह से चला जाएगा? उनकी रिपोर्ट तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल ने और लेबोरेटरी ने उनकी रिपोर्ट करके दिया है ना, वो रिपोर्ट भी मेरे मोबाइल में मौजूद है और वो रिपोर्ट उनकी सारी की सारी नेगेटिव है। तो जब रिपोर्ट नेगेटिव है तो उनको कैसे वो लक्षण दिखाई, उनको कैसे असर हो जाएगा?
ये तो समझने की बात है ना इस्लामुद्दीन भाई, और कोई हम अकेले तो थे नहीं, पूरे वो सारी खबरें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को और तबलीगी जमात को बदनाम करने के लिए चलाई जा रही हैं। और ये यही नहीं, ये लोकल मीडिया नहीं, ये हमारे नेशनल मीडिया जो हमारे भारत हिंदुस्तान की जो दिल्ली में मीडिया है, वो आज तक है, जी न्यूज़ है, वो ये सब खुराफातें बक रहे हैं, उन्हीं को देख देख करके ये लोग भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों को तकलीफ़ हो रही है। और मुसलमान बेचारा अभी शक की निगाह से देखा जाने लगा है, जबकि मुसलमान देश का वफादार है, मुल्क का वफादार है, मुसलमान मुल्क के कानून को मानता है। हम लोगों ने तो ऐसा कानून माना है, मैं कितने दिन से घरों से नहीं निकल रहा हूँ। हमारे यहाँ मस्जिद है, दो तीन लोग नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद में, ना जुमा पढ़ने देते हैं हम लोग, ना कोई जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया है कि मस्जिदों में तीन चार लोगों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मस्जिदों में लोग नहीं जाते हैं। टोटल कितने जमात यहाँ पर थे, तबलीगी जमात आई थी, कितने लोग? यहाँ पे 13, यहाँ पे जो मकसूद नगर की मस्जिद में 13 बांग्लादेशी थे, 2 आसामी थे, और 8 मलेशिया के थे, वो अन्नादुल फलाह में थे, और 2 और इंडियन थे, यानी 10-15, 10-25 लोग थे, जिनमें जो बाहर के लोग थे उनका जो है टेस्ट कराया गया, और उन सबकी यानी 21 लोगों की जितने थे उनकी सारी की सारी रिपोर्टें नेगेटिव आई हैं, कोई पॉजिटिव नहीं था। क्वारंटाइन ये जो है दोस्ती के अंदर महाडा ने बिल्डिंग बनाया है, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा है, यहाँ के हमारे गोसावी साहब ने उसको साफ़ सफाई करवा के बेहतरीन, वहाँ पे 25 वहाँ पे 21 लोगों को क्वारंटाइन किया है। अब वो ये लोग जो है जो भी हिंदुस्तान के कानून के एतबार से है, अगर गुनाह दाखिल करने के लायक है तो लोग गुनाह दाखिल किए हैं, और अगर वो गुनाह दाखिल किए हैं तो शायद वो 4 ट्रस्टी अन्नादुल फलाह के हैं और 4 जो है यहाँ मकसूद नगर के मस्जिद के हैं, इन लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल किया है। अगर वो लीगल है तो भाई उसका सामना करने के लिए सारे लोग तैयार हैं, और कोई जुर्म अगर हिंदुस्तान के कानून के एतबार से कोई जुर्म करता है तो वो भी अदालत का सामना करेगा, और हिंदुस्तान का जो कानून है, अपने मुल्क का जो कानून है, उस कानून से हटना तो कोई मुसलमान चाहता भी नहीं है, और हटता भी नहीं है, और हटेगा भी नहीं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।